बना रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ बड़ी क्वांटिटी में स्पैगेटी, स्पाइसी चिली, कुछ देसी कुछ विलायती स्टाइल की है बना रही हूँ। ये मैंने पांच प्याज डाली है इसके अंदर, पांच बड़ी प्याज, समझे, आधा किलो प्याज है इसके अंदर, ठीक है। अब इसको हम सौते करेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ, ये रही स्पैगेटी बॉइल हुई हुई चार पैकेट, ठीक है। तो अब बनाना शुरू करते हैं इसको। अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर टोमेटो पेस्ट, प्याज को गोल्डन मोल्डन नहीं करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है, प्याज का कच्चापन दूर हो जाए। दो पैकेट ये मैं आपको बताया, मैं बल्क क्वांटिटी में जरा बना रही हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कम का लिख दूंगी, ठीक है। फिर इसके बाद इसके अंदर मैंने दो टोमेटो पेस्ट डाल दिए, एक किलो कीमा डाल दिया मैंने, उसके साथ में डालूंगी रेड चटनी, क्योंकि ये चटपटा हम बना रहे हैं, तो ये मैं रेड चटनी इसमें डालूंगी 4 टेबलस्पून। याद रहे मेरे पास 4 पैकेट स्पैगेटी के हैं, ये 4 टेबलस्पून मैं ये डाल रही हूँ, और इसके साथ मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन हरी मिर्च के साथ पिसा हुआ। कीमे को इसके साथ बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे, उसके बाद बाकी क्या चीजें डालनी मैं आपको बताती हूँ। अब इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 1/4 कप के करीब सिरका, 4 टेबलस्पून चिकन पाउडर, 2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर और 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इसको मिक्स कर लेते हैं। 1/4 कप में डालूंगी सोया सॉस, ठीक है, और 1/2 कप चिली सॉस डाला है, 1/2 कप चिली सॉस। चिली सॉस की बोतल 4 लीटर की है मेरे पास, तो वो मैं उठा के नहीं दिखा सकती। और 1/2 कप में डालूंगी केचप, ठीक है, बस ये हो गया, ये सब मिक्स। चिकन का कीमा है तो इट्स नॉट ऑलरेडी कुक्ड है, ठीक है ना, वो तो एक दफा भाप आई हो चिकन का कीमा तैयार हो जाता है। अब मैं इसमें स्पैगेटी डाल रही हूँ, ठीक है, फिर से दोहरा देती हूँ। मैंने प्याज ली थी 1 कप ऑयल के अंदर, मैंने 1/2 किलो प्याज ली थी, प्याज को जरा सा ऑयल के अंदर नरम किया, उसके बाद मैंने इसके अंदर लहसुन मिर्ची की चटनी डाल दी। अगर आपके पास लहसुन मिर्ची की चटनी ना हो तो आप 3 टेबलस्पून पे कुटी मिर्च डालिएगा। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है अदरक लहसुन हरी मिर्च के साथ जो पिसा हुआ था, फिर मैंने इसके अंदर डाला 2 टोमेटो पेस्ट के पैकेट तकरीबन 4 टेबलस्पून, और 1/2 कप चिली सॉस, 1/4 कप सोया सॉस, 1/4 कप सिरका। इसके अलावा मैंने डाला इसके अंदर 4 टेबलस्पून चिकन पाउडर, 2 टेबलस्पून काली मिर्च और 1 टेबलस्पून कुटी मिर्च, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर आप लहसुन मिर्ची की चटनी नहीं डाले तो फिर आप वो डालें। अब मैं इसमें स्पैगेटी डालती हूँ और स्पैगेटी को मिक्स करना है, एंड दिस इज डन। ये देखिए जी, मजेदार सी स्पैगेटी बन के तैयार है, आप भी खाइए, इंजॉय कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। बड़े हमारे पाकिस्तानी टेस्ट जैसी चटखारी है, आपको बहुत मज़ा आएगा खाने में। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।